दाल भर की रोटी, आलू की सब्जी और ये सेवई बन के तैयार है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका ये बनाने का, बताइए। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स। और ये हमारा चौथा ब्लॉग्स आपके सामने अवेलेबल है। और जो इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट्स कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ घंटे का भी बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं इस चैनल की और मेरी लाइफ पार्टनर नेहा से। नेहा, हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। क्या कर रही हो नेहा? आज एक न्यू रेसिपी हम लोग शेयर करने वाले हैं जो बिहार का बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसा कौन सा? लिट्टी चोखा? नहीं। तो दाल पूरी, सब्जी, आलू का। अच्छा, हाँ सही बात है, बिहार का बहुत ही फेमस फूड है दाल पूरी और खीर या सेवई और उसके साथ आलू का क्या, आलू सब्जी। हाँ एक्चुअली ये आद्रा नक्षत्र में ज़्यादातर मेनली बिहार में हर घर में बनता है। तो आज नेहा, अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है ये तो नहीं पता है कौन सा नक्षत्र चल रहा है, लेकिन अभी नेहा ये बनाने वाली है। तो आज हम लोग अपने ब्लॉग में बस इसी चीज़ का, रेसिपी का सब कुछ बताएंगे और आप लोग भी इस ब्लॉग को देखिए और इस रेसिपी को देखिए और रेसिपी को देख के ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं। तो उसके लिए पहले चना दाल को धोएंगे, पहले जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। एक कुकर लेंगे, उसमें चना दाल और एक लहसुन और मिर्ची उबालने के लिए ताकि चना दाल उबल जाए, उसको पीस सके हम लोग। ये देखिए दाल पीस के रेडी है। कौन सा दाल? रोटी के लिए चना दाल है, बता चुके हैं पहले। और ये है आटा जिसमें नमक दे के बस साना हुआ है। अच्छा, तो इसी से बनेगा मतलब बेसिकली दाल पूरी। और कुछ है क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए वीडियो में? और भी बहुत कुछ है क्या दिखाने के लिए, बताओ जल्दी। जी के लिए आलू उबाल के तैयार है, बस इसको बनाना है। अब सबे बनाने के लिए दूध चढ़ा हुआ है और यहाँ पे सबे भुजा रहा है। अच्छे से लाल करके भूज लेना है इसको पहले, दूध उबल जाए उसके बाद इसमें सबे डाल दीजिए। फिर सबे बनने के बाद इसमें चीनी डलाएं और फिर दाल में तड़का के लिए घी डालिए पहले, थोड़ा फिर थोड़ा जीरा डालिए, जीरा से कट जाए तो एक लाल मिर्च तोड़ के डाल दीजिए। इसको पका लीजिए अच्छे से और दाल में इसको मिला देना है दाल में अच्छे से। कैसा है दाल में? दो प्रसाद। ठीक है, आलू को पानी में छोड़ दीजिए सब्जी बनाने के लिए अच्छे से। थोड़ा बड़ा बर्तन ले लीजिएगा आप लोग, छोटा ले। कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दीजिए सब्जी के लिए, जीरा डाल दीजिए, जीरा से कटने के बाद तेज पत्ता और लाल मिर्च डाल दीजिए, उसके बाद प्याज डाल के लाल कर दीजिए। प्याज थोड़ा लाल होने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देना है और टमाटर डाल देना है, टमाटर थोड़ा गल जाए। हमसे रिकॉर्ड करवा रही और मेरे आँख में पूरा ध्यान जा रहा, थोड़ा इसको ढक दीजिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। पहले यहाँ कुछ करिए, देखिए इधर समय भी इंडक्शन पे चला तो काम करना चाहिए, हमको काम करना तो चला देते हैं इसको, बहुत बड़ा काम है, आदमी लोग से पूछो कितना बड़ा काम है। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया इसमें डाल दीजिए।
मटर भूज के तैयार है। अब इसमें ये आलू वाला पानी और आलू जो मिक्स है पूरा डाल देना है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। दाल का दाल भी बोल सकते हैं इसे, आलू का दाल। इसमें दाल का पानी डालेगा? नहीं, सिर्फ आलू, सिर्फ पानी। और नेहा का थोड़ा सा फेस देख लीजिए, इतना गर्मी है कि पसीना से पूरा भींग चुकी है। अब खीर बनके तैयार है, इसमें चीनी डालना है। चीनी डाल के इसको मिला दो आराम से, और 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देना। इधर खीर भी बनके तैयार है और इधर सब्जी भी बनके तैयार है। चलिए अब जल्दी जल्दी आटे में इस दाल को भर लेते हैं। काम कर रहे हम, और नाम आपका। काम से मतलब होता है, नाम से मतलब नहीं होना चाहिए इंसान। होता है कि मेहनत कर रहे हैं ना। ओह माय गॉड, वाओ। अब नेहा जल्दी जल्दी से आटा में दाल को भर रही है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका ये बनाने का, बताइए। एक दो साल में इतना जल्दी अच्छा शेफ कैसे बन गए आप? कितना टाइम लगेगा ये बनने में? और ये रेसिपी कहाँ से सीखा आपने बनाने के लिए? मम्मी से। हम रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म, और उसके बाद खाएंगे। अरे ये क्या? हाँ जल्दी जल्दी बन जाएगा, ये दो लोगों से। वाह क्या दिमाग पाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल भर के रोटी, आलू की सब्जी और ये सेवई बन के तैयार है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा बनाई है नेहा। तो यही एंड करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।